दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंपेयर करेंगे माइक्रोमैक्स इवो पावर एंड जो नया आया है इनफोकस का टर्बो 5। दोनों के सेम प्राइस हैं, तो आज की वीडियो में कंपैरिजन करेंगे इसका और मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऐसा टेक्निकल किसी न्यू एपिसोड में। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे इनके डिजाइन की। तो इवोक पावर का जो डिजाइन है वो है फुल मेटल बुल्ड डिजाइन है, बट बैक कवर रिमूव होता है और जो फ्रेम है वो आपको रबराइज्ड फ्रेम मिलेगा काफी अच्छी प्रोटेक्शन के साथ, और रियर में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने वाला है और रियर में ही स्पीकर मिलने वाला है। और जो इनफोकस का डिजाइन है वो फुली मेटल बॉडी डिजाइन है, विद आपको बैक में ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, बैक में ही आपको स्पीकर मिलने वाली है। इसकी बैक कवर मूव नहीं होती, हाइब्रिड सिम ट्रे है इसमें, उसमें अलग से स्लॉट गिवन है क्योंकि बैक रिमूव होती है तो उसको वहां सिम भी चल जाता है और मेमोरी कार्ड भी। चलिए आगे बात करते हैं इनके डिस्प्ले की। तो इवोक पावर की डिस्प्ले है 5 इंच की HD डिस्प्ले विद 2.5D ग्लास एंड कॉर्निंग गोल्डन ग्लास की 3 की प्रोटेक्शन के आता है इवोक पावर, और इसमें आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाली। 5.2 इंच की डिस्प्ले है, 2.5D ग्लास है, इसमें प्रोटेक्शन नहीं है। इसमें प्रोटेक्शन वाइज काफी अच्छा फोन है ये, इसमें रबराइज फ्रेम है तो गिरने कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ऊपर से कॉर्निंग ग्लास 3 की प्रोटेक्शन है। सो इवोक पावर काफी प्रोटेक्शन बेस्ड फोन है, प्रोटेक्टिव है। अब बात करते हैं इनके प्रोसेसर की। दोनों में सेम प्रोसेसर मिलने वाला है, सेम परफॉर्मेंस मिलने वाली है, मीडियाटेक का MT6737 प्रोसेसर जो कि क्वाडकोर प्रोसेसर है, क्लॉक किया गया है 1.3 GHz पर। अब बात करते हैं इनके मेमोरी ऑप्शन की। दोनों में आपको 2 GB रैम मिलने वाली है, दोनों में ही 16 GB इंटरनल मिलने वाली है, दोनों को एक्सपेंड कर सकते हैं आप 32 GB तक। और इसमें जैसे मैंने बता चुका हूं कि इवोक पावर में आपको अलग से स्लॉट मिलेगा मेमोरी कार्ड का, इसमें आपको हाइब्रिड सिस्टम है सो आप अलग से स्लॉट नहीं मिलने वाला। अब बात करते हैं इनके बैटरीज की। तो 4000 mAh की बैटरी है इवोक पावर में, इसमें है 5000 mAh की बैटरी, सो बिगर बैटरी है, थोड़ी सी बिगर डिस्प्ले है तो बिगर है सब कुछ इसका। अब बात करते हैं इनके कैमरास की। तो इसमें मिलेगा 8 MP का रियर कैमरा विद ऑटो फोकस विद LED फ्लैश, और फ्रंट में मिलने वाला है 5 MP का और फिक्स फोकस कैमरा। इसमें मिलने वाला है आपको 13 MP का ऑटो फोकस कैमरा विद LED फ्लैश जो कि रियर है, और फ्रंट में आपको मिला 5 MP का फिक्स फोकस कैमरा। फ्रंट तो दोनों के सेम रहने वाले हैं, थोड़ा सा क्वालिटी का आपको फर्क दिखेगा, इन फोकस काफी बढ़िया रहने वाला है एज कम्पेयर टू इवोक पावर। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी फीचर्स की। तो दोनों में आपको सेम कनेक्टिविटी फीचर्स मिलने वाले हैं, 2G 3G 4G वॉयल्टी OTG का सपोर्ट, माइक्रो USB 3.5 जैक, दोनों में सेम मिलने वाले हैं। सेंसर्स की बात करें तो दोनों में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने वाला है रियर में, दोनों में प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, दोनों में लाइट सेंसर है, दोनों में एक्सेलेरोमीटर सेंसर है, बट इसमें आपको एक्स्ट्रा मिलेगा ई कंपास, और दोनों में ही आप VR सपोर्टेड नहीं है, दोनों में आपको जायरोस्कोप नहीं मिलने वाला, सो आप दोनों में VR नहीं यूज कर पाएंगे सही से। अब बात करते हैं इनके एंड्रॉयड वर्जन की। तो आपको इसमें मिलेगा एंड्रॉयड मार्शमेलो और इसमें मिलने वाला है एंड्रॉयड नोगट। सो इसमें लेटेस्ट है, इसमें थोड़ा सा ओल्ड वेरियंट है, अब अपडेट कब आएगी ये माइक्रोमैक्स ने नहीं बताया गया। कलर ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपको गोल्ड और ग्रे मिलने वाले हैं, इसमें आपको मोशा गोल्ड और प्योर गोल्ड दोनों ही गोल्ड वेरिएंट है, थोड़ा एक डार्कर वेरिएंट है एक लाइट वेरिएंट है, दोनों ही गोल्ड वेरिएंट मिलने वाले हैं। दोनों का प्राइस है 6999, ये आपको फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल, ये 4 तारीख से 4 जुलाई से आपको अमेजोन पर अवेलेबल मिलेगा 12 बजे। सो दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब रही मेरे ओपिनियन की बात, सो ओवरऑल अगर हम स्पेसिफिकेशंस को देखें तो इसमें आपको मिलेगी ज्यादा प्रोटेक्शन क्योंकि इसमें रबराइज फ्रेम है और 2.5D ग्लास है, सो बेटर है अगर आपको प्रोटेक्शन वाइज चाहिए। इसमें आपको मिलेगी थोड़ी सी बिगर डिस्प्ले, बिगर बैटरी, और ये इसमें बैटरी लेवल बैटरी काफी बैकअप अच्छा देने वाला है ये फोन, ये बैटरी बैकअप ठीक ठाक देगा, 2 डेज का दे देगा, ये भी 2 2.5 डेज का बैटरी बैकअप देगा, सिंपल यूजर्स पे वॉइस कॉलिंग में पे दोनों दे देंगे बैटरी बैकअप। ये थोड़ा वर्जन इसका पुराना है, इसका नया है एंड्रॉइड का, और इसमें कैमरा इसके थोड़े से बेटर रहने वाला है रियर, इसका जो रियर है उसका इतना अच्छा नहीं रहने वाला है एज कम्पेयर टू इसके। बस यही थी छोटी सी कंपैरिजन, यही था थोड़ा सा ओपिनियन की कुछ
कौन सा वैसे तो बेटर है? मेरे ख्याल में आपको खुद डिसाइड करना चाहिए कि आपको प्रोटेक्शन वाइज चाहिए कि आपको बैटरी वाइज चाहिए। अगर आपको इस दोनों में, अगर वैसे तो इवोक पावर में बैटरी भी अच्छी मिलने वाली है, 4000 mAh कम नहीं होती, पावर भी ठीक है, इवोक पावर प्रोटेक्शन वाइज भी अच्छा है, मेटल फ्रेम भी है। इसमें आपको थोड़ी सी बिगर बैटरी मिलेगी, थोड़ा सा कैमरा अच्छा मिलने वाला है, डिस्प्ले बड़ी मिलेगी, और एंड्रॉयड का नया लेटेस्ट वर्जन है, एंड्रॉयड नुगेट, तो वो यूज करने में मिलेगा। सो मैं सुजेस्ट करना चाहूंगा इनफोकस टर्बो 5, बट प्रोटेक्शन वाइज यही है अच्छा। अगर आप चाहते हैं कि प्रोटेक्शन हो में मैं गिरता है बहुत आपका मन, तो आप ये ले सकते हैं। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो आपको लगता है सही, आपने सुन लिया है कि कौन सा सही है किस वाइज, तो आप जाकर ले सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।